मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई है, जिसके चलते आयोग में काम ठप पड़ा है। आयोग में 31 मार्च को अधिकारी रिटायर हो गए हैं और अभी तक सरकार ने सूचना आयोग में कोई नियुक्ति नहीं की है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में करीब 15,000 केस पेंडिंग पड़े हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस सूचना प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पुनीत टंडन ने सरकार के इस उदासीन रवैये के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के सभी जिलों में सूचना प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्षों के माध्यम से आयोग में नियुक्तियों को लेकर कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपा और सरकार से जल्द आयोग में नियुक्तियों की मांग की। देखिए 31 मार्च को सूचना आयुक्तों का कार्यकाल समाप्त हो गया था, जिसके उपरांत आज दिनांक तक सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिसको लेकर के लगभग 15,000 प्रकरण लंबित पड़े हुए हैं, जिसको लेकर के सूचना के अधिकार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्षों द्वारा आज सभी जिलों में महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम कलेक्टर और SDM साहब को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसमें हमारी मांग है कि सूचना के अधिकार में, क्योंकि फर्स्ट अपील आवेदन के बाद फर्स्ट अपील होती है, फर्स्ट अपील के बाद द्वितीय अपील होती है। जब द्वितीय अपील इसलिए नहीं होगी क्योंकि जब सूचना आयोग ही बंद है तो द्वितीय अपील आवेदक कहाँ करेगा, क्योंकि आम जन RTI में आम जन को अधिकार है। आज लोग परेशान हो रहे हैं, पूरे प्रदेश से जो लोग द्वितीय अपील के लिए आ रहे हैं उनके ना निराकरण हो रहा है, ना जानकारी हो रही, ना जुर्माने लग रहे हैं। इसलिए हमारी एक मांग है सरकार से जल्द सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाए, जिससे कि आयोग का काम सुचारू रूप से दोबारा चालू हो सके। क्या लगता है सरकार का ये उदासीन रवैया है क्या, कितना महत्वपूर्ण अंग है सरकार का सूचना का जनता का? देखिए RTI बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें सरकार की बड़ी भूमिका होती है। सरकार में हो रहे काम काजों का आम पब्लिक को जानने का अधिकार है, जिससे कई जानकारियां कई खुलासे बड़े होते हैं। तो आज आयोग बंद होने से ये होता है कि फर्स्ट अपील के बाद सेकंड अपील का रास्ता बंद है, आवेदक कहाँ जाएगा, वो किसके पास सुनवाई करने जाए, जिसके कारण आज सुनवाई नहीं हो पा रही है, जुर्माने के कारण जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसलिए हम चाहते हैं सरकार जल्द से जल्द इसमें नियुक्ति करे।